हाय प्यारे बच्चों, वेलकम टू मैथ विद राजेश। आज हम सीएचएस का साइंस का पार्ट लेकर आए हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक साइंस। आज हम बच्चों देखेंगे, आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि हमें मोटिवेशनल मिलता है कि सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और व्यूज़ भी आ रहे हैं, सो हमें वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों तक शेयर जरूर कीजिए, इसको पूरा पहुँचा दीजिए लोगों के पास जो सीएचएस की तैयारी में जुटे हुए हैं। आज वह हम आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे, जैसे आपके क्वेश्चन जरूर आता है कि पौधे जो रात में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों छोड़ते हैं, और आपका टॉप टॉपिक ये भी आता है कि पत्तियां हरे रंग की होती हैं तो क्लोरोफिल के कारण ही क्यों हरी होती हैं। तो ये सारे डाउट आपके जरूर इस वीडियो में क्लियर होंगे और सारे पॉइंट्स आज क्लियर होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है, फोटोसेंथेसिस की क्रिया कैसे कंप्लीट होती है, इसको हम इस वीडियो में देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। अब बताओ, ये क्रिया सिर्फ हरे पौधों में होती है और कुछ जीवाणुओं में भी घटित होती है। तो ये घटना जो होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है कुछ जीवाणुओं में भी होती है। आगे हम बात करेंगे कौन कौन से जीवाणुओं में होती है और हरे पौधों में होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पौधा बना हुआ है, ये पत्तियां बनी हुई है और पत्तियों में होता है, पत्तियों में ही भोजन क्यों बनता है, इसका भी रीजन इस वीडियो में आपको जरूर मिलेगा। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है, हरे पौधे में होती है। पौधे अपना भोजन इसी स्वयं बनाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, स्वपोषी बोला जाता है। स्वपोषी ध्यान रखना है, स्व मतलब स्वयं पोषण करने वाले, स्वयं पोषण जो करते हैं उनको स्वपोषी कहा जाता है। तो मनुष्य जिसमें आते हैं वो परपोषियों में आते हैं, लेकिन कुछ जीवाणु भी होते हैं जैसे शैवाल होता है, वो भी स्वपोषी में आता है। परपोषी वो स्वयं अपना भोजन बनाता है, क्यों बनाता है उसका रीजन आगे जरूर मिलेगा। तो आइए देखते आगे। और इसमें हरे भाग सौर ऊर्जा को, देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे संपन्न होती है, इसके एक एक पार्ट हम बात कर रहे हैं। जो हरे भाग होते हैं वो क्या करते हैं, वो सौर ऊर्जा, जो सूर्य की किरणें होती है, सौर ऊर्जा को ग्रहण कर, सौर ऊर्जा को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और इसी वायुमंडल से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो क्या करते हैं, सौर ऊर्जा को लेते हैं ये, और उसी वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और भूमि से जो जल अवशोषित किया जाता है, ये जल भी ये लोग लेते हैं H2O के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक ऊर्जा का क्या है, साधन होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा को निर्माण करता है। तो ऊर्जा जो हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट से मिलती है बच्चे। अब हम लोग रिएक्शन देखेंगे बच्चे, ये रिएक्शन क्या होता है, देखिए इसमें क्या क्या मौजूद होता है। जो हमारी पत्तियां होती हैं, पत्तियों में ध्यान रखना, अभी हम आप देखेंगे इसमें क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। और हरित लवक क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को रोकता है और उसमें सूर्य के प्रकाश होता है, कच्चे पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जो जड़ होती है, और जड़ में एक भाग, एक ऊतक पाया जाता है जिसका नाम है किसका, जिसका नाम है जाइलम। और जाइलम ऊतक क्या करता है, जाइलम ऊतक पेड़ पौधे की विभिन्न भागों तक क्या करता है, कई जगह पाया जाता है, जड़ में भी पाया जाता है, तनों में भी पाया जाता है, लेकिन जड़ में जो पाया जाता है वह खनिज पौधों के क्या होता है, पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला ऊतक जो जाइलम होता है वो क्या करता है, खनिज और जल को पत्तियों तक पहुंचाता है। पत्ती भी कच्चे माल के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड भी कच्चे माल के रूप में, प्रकाश भी चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए। जब ये क्रिया होती है तो C6H12O6 ग्लूकोज ही ऊर्जा के रूप में लिया जाता है और इसमें से बनता क्या है, 6H2O जल भी बनता है। और मेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ऑक्सीजन, यहाँ आपको दिख नहीं रहा है बट ये
O2 भी बनता है 6O2। O2 मतलब ऑक्सीजन, यही ऑक्सीजन जो है निर्मुक्त होती है, और यही ऑक्सीजन क्या होती है, निर्मुक्त होती है, यही ऑक्सीजन यहाँ निर्मुक्त होती है, आपको अब दिख रहा होगा। तो ये ऑक्सीजन जो है, यही ऑक्सीजन जब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ग्लूकोज बनता है, H2O जल बनता है, और क्या बनता है, सिक्स ओ टू मतलब ऑक्सीजन मुक्त करता है, क्या होता है, ऑक्सीजन मुक्त करता है। और यही ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन सांस के रूप में हम लोग श्वसन करते हैं। ये मुक्त कौन करता है, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती तभी ऑक्सीजन निर्मुक्त होता है। और ये ऑक्सीजन कहाँ निकल रहा है बच्चों, यहाँ यहाँ यहाँ, तो आपको समझ में आया होगा बच्चे। आगे समझते हैं जलीय पौधे क्या करते हैं। जलीय पौधे जो होते हैं, जो जल में ग्लूकोज, जो जल में कार्बन डाइऑक्साइड जो घुलनशील होता है, जो घुला होता है, चूंकि आपको पता होगा कि ऑक्सीजन वसा में भी, आप जानते हैं कि क्या होता है, जल में भी घुलनशील है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी जल में घुलनशील है, और यही ऑक्सीजन ये जलीय पौधे प्राप्त करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कर पाते हैं। आगे हम देखें, आप देखते हैं रात्रि में, आपका प्रश्न आ गया, रात्रि में पौधे CO2 क्यों छोड़ते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो इसकी क्रियाएं समझना क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है, क्रिया के दौरान पौधे O2 की कुछ मात्रा को क्या कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, रोक कर रखते, कुछ को संचित कर लेते हैं O2 की मात्रा को। और जब प्रकाश की तीव्रता कम हो जाए, तीव्रता कब कम होगी, शाम को और सुबह को, तीव्रता कम होती है प्रातः और सायंकाल को, सुबह और शाम को, तो पौधे द्वारा, तो पौधे द्वारा क्या होता है, श्वसन की क्रिया में, पौधे के द्वारा क्या होगा, श्वसन की क्रिया होगी, श्वसन क्रिया में मुक्त की गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हेतु संचित मात्रा के समान हो जाता है। मतलब ये है कि जितना प्रकाश हम, जो कार्बन डाइऑक्साइड संचित किए रहते हैं जब हम क्रियाएं करते हैं, तो फिर जब लास्ट शाम और सुबह को जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, पौधे द्वारा जब श्वसन की क्रिया होती है, तो मुक्त की गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा संचित की गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के क्या हो जाता है, समान होती है। और यही जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा संचित होती है, तो आपको पता होगा बच्चे आगे कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह जो है रात्रि में नहीं होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि रात्रि के समय में प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं नहीं होती हैं, बल्कि संचित पदार्थ का उपापचयन होता है। उपापचयन का मतलब होता है कि भोजन, सारी क्रियाओं को जो उनके द्वारा किया जाता है, जैसे पदार्थों को तोड़ने में, कहने का मतलब ऊर्जा के रूप में जो भी क्रियाएं पौधों के द्वारा की जाती है उसे उपापचयन क्रिया कहते हैं। तो जो पदार्थ जो है बचे रहते हैं वो उपापचयन मतलब उसको भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। और यही का जो कार्बन डाइऑक्साइड संचित किया गया था, जो शाम और सुबह के समय में उसके समान ही कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ निर्मुक्त हो रहा था, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड जो संचित किया गया था वो बचा था, और वही रात में ये लोग छोड़ते हैं। कौन सा छोड़ते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड संचित किया गया था दिन में। तो आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट। अब आ जाते हैं पर्णहरित, जिसको ये देखो क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल ये इंग्लिश में लिखा हुआ है और इसका मैंने हिंदी भी लिख दिया है। अब क्लोरोफिल की कहानी समझते हैं बच्चे। क्लोरोफिल ध्यान रखना है एक महत्वपूर्ण पार्ट है। ये महत्वपूर्ण क्या है, प्रोटीन आप बोल सकते हैं, क्योंकि इसके कारण ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक तत्व है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है पर्णहरित, मतलब क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पर्णहरित के बिना संभव नहीं है, प्रकाश संश्लेषण इसके बिना संभव नहीं है, इतना पता होना चाहिए बच्चे। और पौधों में, उसकी पत्तियों में ये पर्णहरित मौजूद कहाँ होता है, अब आपका प्रश्न कंप्लीट होता है कि पौधे जो हैं पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्यों कर पाते हैं, क्योंकि उसकी पत्तियों में ही पर्णहरित मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है, पर्णहरित मौजूद होता है। और आगे अब देखेंगे स्टूडेंट, क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा, एक प्रश्न आपका यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है कि पत्तियों में जो है
पत्तियों में क्या होता है, हरा रंग क्लोरोफिल के कारण, या पर्णहरित हिंदी में दे सकता है, इंग्लिश इसका क्लोरोफिल होता है, तो बच्चे ध्यान रखेंगे क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां हरी दिखाई देती है। अब आपका उत्तर होगा कि क्लोरोफिल मौजूद होने के कारण हरी क्यों दिखाई देती, इसका रीजन आगे हम लोग समझते हैं। अब ये दो चीज़ें और आपके आ जाता कि जीवाणुओं में, आपको हम स्टार्टिंग बताया थे कि क्लोरो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, जो स्वपोषी जीव भी होते हैं, कहने को जीवाणु भी होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, शैवाल होता है, हाइड्रिया होता है, शैवाल हाइड्रिया में क्लोरोफिल या हरित लवक, शब्द आएगा ध्यान रखना है, पादप अपने भोजन क्यों बना पाते हैं, उसमें मौजूद हरित लवक या पण हरित के कारण, ध्यान रखना है हरित लवक के कारण ही ये हो पाता है। हरित लवक कहाँ पाया जाता है, उसकी पत्तियों में पाया जाता है, तो और ध्यान रखना है शैवालों में और हाइड्रिया में पूरे शरीर में पाया जाता है, पूरे शरीर में ये पाया जाता है, पूरे शरीर में, लेकिन पौधों में कहाँ पाया जाता है, ओनली पत्तियों में हरित लवक पाया जाता है। अब आपका प्रश्न जो था कि ये क्यों होता है, आप ध्यान रखना है प्रकाश के कई रंग होते हैं, प्रकाश के मुख्यतः 7 रंग होते हैं, लेकिन उसमें 3 रंग जो होता है बैंगनी नीला लाल, ये क्या करता है, जो पत्तियां होती हैं जो हरित लवक के दौरान क्या होता है, हरित लवक जो पार्ट होता है इन तीनों रंग को अवशोषित कर लेता है, मतलब ग्रहण कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, रोक लेता है। आपको ध्यान रखना है कोई रंग हमें दिखाई क्यों पड़ता है, उसका रीजन आज मैं देता हूँ कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती हैं, अगर वह वस्तु उन किरणों में उपस्थित रंग को, 7 रंग होते हैं, उन किरणों में उपस्थित रंग को अगर परावर्तित कर दे तो वो रंग हमारे रेटिना पर पड़ेगा और हमारा मस्तिष्क बता देगा कि यह कौन सा रंग है, लेकिन अगर वह रंग प्रकाश परावर्तित नहीं कर पा रहा है तो वो रंग हमें दिखाई नहीं देगा, और यही रीजन है कि ये तीनों रंग को तो अवशोषित कर लेता है, सबसे ज़्यादा बैंगनी को, सबसे कम लाल को, लेकिन अगर स्टूडेंट याद रखें तो सबसे, अब ये क्या कर देता है, हरे रंग को परावर्तित कर देता है हरित लवक, ये तीन रंग को अवशोषित कर लेता है, लेकिन हरित लवक हरे रंग को क्या कर देता है, परावर्तित, और हरा रंग हमारी रेटिना तक पहुंचता है, इसलिए हमें पत्तियां हरी दिखाई देती है। आज आपको रीजन पता चला होगा, इसका रीजन यही था बच्चे, तो ध्यान रखेंगे। और एक पार्ट आपका जो इम्पोर्टेंट कुछ और बचता था तो वो हम बता देते हैं, जो ये ऊर्जा जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पदार्थ जो है पौधे ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो किस रूप में, एटीपी के रूप में, एटीपी का मतलब है एमिनो ट्राइफॉस्फेट, ध्यान रखेंगे एमिनो ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में। और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके प्रश्न आ सकता है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे तत्व है, या कच्चे तत्व कौन पदार्थ होते हैं, जो आवश्यक तत्व होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्रकाश संश्लेषण, तो ये कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये था ये वीडियो, और आपको पसंद आया होगा, तो पसंद आता है तो मैं बार बार कह रहा हूँ वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में साइंस के अच्छे पार्ट को लेकर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।